एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने आज पार्टी के लिए दो कार्यकारी अध्यक्ष का ऐलान कर दिया। पार्टी ने सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को मौका दिया है। एनसीपी के 25वें स्थापना दिवस के मौके पर शरद पवार ने अपनी बेटी सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को जिस तरह से आगे किया, उससे भतीजे अजीत पवार के वजूद पर ही सवाल खड़े कर दिए। पवार ने सुप्रिया सुले और पार्टी नेता प्रफुल्ल पटेल को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। शरद पवार अध्यक्ष पद पर बरकरार हैं। सुप्रिया सुले कार्यकारी अध्यक्ष बनी, 4 से 5 राज्यों की जिम्मेदारी भी दी गई। प्रफुल्ल पटेल कार्यकारी अध्यक्ष बने और 5 से 6 राज्यों की जिम्मेदारी दी गई। प्रफुल्ल पटेल आज उनके सामने हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी उनके कंधे पर ले रहे हैं और साथ साथ उनकी जिम्मेदारी सुप्रिया सुले पार्लियामेंट के सदस्य उनको भी हम वर्किंग प्रेसिडेंट का अनाउंसमेंट करते हैं। लेकिन इस बड़े ऐलान में शरद पवार के भतीजे अजीत पवार को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि शरद पवार ने कहा है कि अजीत पवार नाराज नहीं है। अजीत की नाराजगी की खबर बिल्कुल गलत है। अजीत पवार के पास नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी है, शरद पवार ने कहा है। और इसके अलावा पटना में विपक्ष की मीटिंग पर बोले शरद पवार, विपक्ष को साथ लेकर चलना प्राथमिकता है इस वक्त। जहां जो दल मजबूत है उसको समर्थन देंगे, ये शरद पवार ने कहा। 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक है। गुजरात के पाटन में अमित शाह का राहुल गांधी पर निशाना। विदेश जाकर देश की बुराई सही नहीं, अमित शाह ने कहा है। राहुल गांधी अपने पूर्वजों से सीखें, किसी पार्टी के नेता को ये शोभा नहीं देता। राहुल गांधी देश की जनता का ध्यान नहीं रख रहे हैं। હમણાં રાહુલ બાબા વિદેશમાં વેકેશન કરવા ગયા છે, ગરમી વધારે છે એટલે વિદેશ ગયા છે, અને વિદેશમાં જઈ ભારતની નિંદા કરવાનું કામ કરે છે। હું રાહુલ ગાંધીને એ જ કહેવા માંગુ છું કે તમારા પૂર્વજો જોડેથી શીખજો। કોઈ પણ દેશભક્ત વ્યક્તિ દેશના રાજકારણની ચર્ચા દેશની ભૂમિ પર કરે, વિદેશમાં જઈ દેશના રાજકારણની અંદર चर्चा करी देश की निंदा करवानु काम कोई पण पार्टी ना नेता ने सोपतु नथी। अने राहुल बाबा याद रखजो, देश की धनता अने ध्यान थी जोई रही छे, ध्यान थी सांभळी रही।